आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिसार के पास के गांव शीशवाल में, वहां पर जहां शिवजी का मंदिर स्थापित है, प्राचीन शिव मंदिर शीशवाल धाम हिसार। अब हम इसमें प्रवेश करेंगे और यहां का नजारा देखेंगे। ये मंदिर अभी बन ही रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है। तो चलिए आइए हम आपको लेकर के चलते हैं और इसका दिव्य दर्शन करवाते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने महाभारत काल के दौरान में की थी और इस मंदिर का 750 सालों का रिकॉर्ड यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि पिछले कुछ समय में किसी कारणवश जल गया था। तथा जो शिवलिंग है वो खुदाई के दौरान मिला और जो वहाँ के रिकॉर्ड्स थे वो स्वतंत्रता संग्राम के समय पर जल गए थे। और यह मंदिर के प्रधान घीसाराम जी के द्वारा बताया गया कि यह प्राचीन चार मंदिरों में से एक है। यह सूचना मंदिर की प्राचीनता व ऐतिहासिकता से जुड़ी हुई बताई गई है, जिसमें यह बताया गया है कि इसमें जो शिवलिंग है उसकी जो लंबाई है वो 4 फीट की है ऊपर से, और उतनी ही शायद 4 फीट तक ही अंदर से होने का अनुमान है। शिवलिंग के चारों तरफ की जो शब्दावली है वो एक विशेष भाषा में लिखी गई है, जिसे शायद पढ़ना आम आंखों से बहुत ही मुश्किल होगा। तो चलिए अब हम प्रवेश करते हुए शिवलिंग यानी कि हमारे शिव जी का दर्शन करते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय। और यहाँ पर जो ये छोटी सी बिल्ली नजर आ रही है, ये भी पूरा दिन यहाँ के प्रसाद को ग्रहण करती रहती है। आप भी मेरे साथ शिव जी का दर्शन कीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। बताया जाता है कि इस मंदिर की विशेष मान्यता है, जो भी यहाँ पर सच्चे दिल से अपनी इच्छा को रखता है तथा पूजन करता है तो शंकर भगवान उनकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करते हैं, परंतु जो पूजा है वो बहुत ही मन के साथ होनी चाहिए, संपूर्ण मन के साथ होनी चाहिए। और यह मंदिर, यह भी बताया जा रहा है कि जल्द ही गुजरात के कोटेश्वर मंदिर के जैसा नजर आएगा और यहाँ पर यह एक हिसार का जाना माना पर्यटक स्थल बन सकेगा। और इस मंदिर में बगीचे और पार्क वगैरह भी बनाए जाएंगे, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति दूर से आता है तो वो आराम करे तथा भगवान का दर्शन करे और यहाँ पर चलने वाले सत्संग के द्वारा असीम शांति को प्राप्ति करे। और यहाँ पर भंडारा भी चलता है तथा हवन यज्ञ आदि भी चलता रहता है। यह मंदिर काफी विशाल बनेगा। अभी इस मंदिर के बनने की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा था कि कितना सुंदर, कितनी अच्छी नक्काशी के द्वारा यह मंदिर बनाया गया है। और यह मंदिर पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो शिवलिंग है वो पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए इसकी विशेष मान्यता है। यहाँ पर यह हवन कुंड है और हम अभी हवन यज्ञ वाले क्षेत्र में आ चुके हैं। यहाँ पर भंडारे के लिए प्रसाद भी बनता है और पूरा दिन हवन चलता रहता है। बोले शंकर भगवान की जय। इस समय भी यहाँ पर हवन चल ही रहा है और भंडारे के प्रसाद के लिए यहाँ पर कुछ तैयारियाँ हैं, कुछ नहीं। और उसके अलावा पीछे की तरफ जहाँ बगीचा बनाया जाएगा उसके लिए जगह छोड़ी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर पक्षी बहुत आते हैं, जिससे कि यहाँ के मनोरम दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। ये देखिए, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं वो कुछ ना कुछ दाना डालते हैं, अपनी इच्छा को रखते हैं और पक्षियों के आशीर्वाद तथा भगवान के आशीर्वाद से सभी की इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। आप सभी भक्तों को जय जय श्री राधे।